पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है कहकर लड़की से गुमराह कर अनजान व्यक्ति ले गया। 30,000 रुपये एवं मोबाइल पुलिस ने दर्ज किया मामला। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनीपुरा से है, जहां एक अनजान व्यक्ति नरेश राठौर के घर पहुंचा। नरेश राठौर की लड़की को गुमराह करते हुए बोला कि आपके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छुड़ाने के लिए एवज में पुलिस ने 30,000 रुपये की मांग की है। अनजान युवक लड़की से 30,000 रुपये एवं मोबाइल लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना फरियादी नरेश राठौर ने पोहरी थाना पहुँच कर दी, जहां पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर सुराग लगाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी नरेंद्र पुत्र नकतूराम राठौर उम्र 40 वर्षीय निवासी सोनीपुरा पोहरी पावर हाउस थाना पहुंचकर बताया कि 22 तारीख को मैं अपनी कबाड़ी की दुकान पर था, मेरी बेटी को एक अनजान व्यक्ति गुमराह करके 30,000 रुपये और मोबाइल ले गया। फरियादी ने आसपास पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात की युवक की तलाश में जुट गई है, सुराग लगाना शुरू कर दिया है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो आपके यहाँ 30,000 रुपये चोरी हुई थी, क्या कुछ मामला है? चोरी हुई थी, लड़की ने एक बगल वाले के फोन से फोन लगाया, मेरे को बताया कि पापा तुमने पैसे मंगाए था। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने नहीं मंगाया पैसा। तो लड़की बोली कि मैंने एक आदमी को पैसे दे दिए और पैसा ले गया, दुकान पर नहीं आया। मेरे को बेटा नहीं आया दुकान पे, तो इसी में मैं वहाँ से मोटरसाइकिल ले गए घर पर आया हूँ। घर पर आ गए, मैंने पूछा तो बोले कि मोड़ा भी ले गया और पैसे भी ले गया। अच्छा, छोटे बच्चे को ले गया साथ? मानस को ले गया और पैसे भी ले गया। कितने साल का था बच्चा आपका? बच्चा है 12-10 साल। अच्छा, फिर इसके बाद में उसको ढुलाई करी है मैंने, जगह जगह समय ढुलाया, बच्चा भी ढुलाया कि बच्चा कोई मार नहीं जाए, कहीं ले नहीं जाए। इतने में फिर बच्चा मेरी दुकान पर आ गया, दुकान पर आ गया बच्चा। तो मैंने पूछा बेटा कुआ हो कैसे हो? पापा ऐसे दारिन सफ़ेद दारिन की टी शर्ट है, लाल सफ़ेद दारिन की टी शर्ट है और ऐसी दाढ़ी है जी मूछे है नीचे को और जी यहाँ पर दाढ़ी है और सांवला सा और चप्पलें पहरे टूटी गई। उसने नमूना बताया, फिर टूटा मैंने, फिर गया मैं थाने। थाने पर मैंने सूचना दी उनको बताया, तो वहाँ पर कहा कि थाने वाले तो कोई आवेदन वगैरह दिया है क्या? FIR वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? FIR नहीं करी, आवेदन लिया है, आवेदन कोई प्राप्ति दी है, कोई FIR नहीं गई करी। और अब मैं उसके दूसरे दिन भी गया तो भी कोई FIR नहीं करी और मैंने CC कैमरे में उसकी वो देख ली डिटेल, तो उसका पेशा आया तो अभी अगर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इस चोर को पकड़ के दे दूँ और मेरा पैसा आ जाए और मेरा लड़के की जान बच गई, वो भैया आया उससे छूट गए। तो जो चोर आया था आपके घर पे, वो चोरी करके ले गया 30,000 रुपये, क्या कैसे ले गया? मैं ऊपर थी तो मैंने देखा कोई आन भी आया, फिर मैं नीचे आई थी और मैंने गेट भी नहीं खोला, इसलिए मेरे भाई ने तब तो मैं आई गेट खोल दिया था। फिर मैंने उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? तो कहा तुम्हारा पापा जी का नाम नरेश राठौर है। मैंने कहा यहाँ तो कबाड़ी दुकान है। मैंने जी कहाँ पे है? मैंने कोई निर्वल राठौर बोला। मैंने जी अच्छा, कब काम है? तो जो करोड़ रुपये चाहिए। मैंने क्यों चाहिए? तो तुम्हारे पापा पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैंने वही पुलिस क्या पकड़ ले गई, फिर 2 नंबर की टैक्सी ले गई इसीलिए। तो मैंने वही भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो फ़ोन लगाऊंगी। मैंने फ़ोन उससे मांगा था, उसने ये बोला कि बैलेंस नहीं है। फिर मैंने खुद का फ़ोन लगा ली, पर मैंने बाहर का ले गई तो उसने मैंने फ़ोन लगाया एक बार पुरानी फ़ोन लगा के, उस एक बार तो नहीं उठाया पापा, दूसरी बार लगाया तो उठा लिया था। तो मैंने फ़ोन उठा लिया उसी, यानी मैंने पापा से बात भी की हेलो की, पापा कही थी एक बार, तो उसने मुझसे फ़ोन ले लिया, ये बोला कि मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने वही ठीक है, फिर उसने बात की होनी, मैंने फिर फ़ोन ले लिया, फिर भी लगाया एक बार और फ़ोन फिर होनी नहीं लग पाया। तो मेरे भाई को पकड़ा दिया, भाई ने चलो खिड़की पर रख दिया, और खिड़की पर रख दिए सी और मैं रुपये लेने चली गई। अब मुझे पता नहीं वो फ़ोन कितनी देर, कितने रुपये दिए फिर आपने उसको? मैंने उसको 28,000 रुपये दिए थे। अच्छा, और फिर वो चला गया? चला गया। मैंने उससे बोला कि गिन ले, तो ये कह रहा मैं गिन अभी मैं गिन लूँगा तुम मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो मैंने वही ठीक है मेरे भाई जा रहा है तुम्हारे संग है, तो वो चला होगा। पुरानी मैंने आलिम फ़ोन की ध्यान करी, मैंने फ़ोन कहाँ मेरा, मैं फ़ोन लगा तो दूँ, पुरानी फ़ोन नहीं मिला। तो फ़ोन भी साथ ले गया क्या वो? हाँ।